हेलो फ्रेंड, मैं गौरव शर्मा और आप देख रहे हैं फिजिक्स हिंदी चैनल। आज की वीडियो में हम जानेंगे नरस समीकरण से साम्य स्थिरांक, यानी जो आपकी नरस इक्वेशन होती है पिछले वीडियो में आपने पढ़ा था, उससे हम साम्य स्थिरांक से कैसे संबंधित कर सकते हैं, उसे साम्य स्थिरांक के साथ क्या संबंध स्थापित कर सकते हैं, उसके बारे में हम जानेंगे। तो नरस समीकरण से साम्य स्थिरांक आपको पढ़ना है। तो साम्य स्थिरांक क्या होता है, पहले हम इस चीज़ को जान लेते हैं। साम्य स्थिरांक क्या स्थिति है? साम्य स्थिरांक वो स्थिति है जब किसी अभिकारक की दर, किसी अभिकारक की उत्पाद में बदलने की दर और उत्पादक की उत्पाद की अभिकारक में बदलने की दर समान होती है। इस कंडीशन को, इस परिस्थिति को क्या कहते हैं? साम्य स्थिरांक कहते हैं। जैसे आपका, अगर मैं आप इधर ले लूं, अगर आपका कोई पदार्थ ए है, ए आपका कन्वर्ट हो रहा है बी में, तो जितना ए बी से कन्वर्ट हो रहा है उतना ही बी ए में कन्वर्ट हो रहा है। अगर दूसरा इसका एग्जांपल है, जैसे इधर मैं बना देता हूं आपको, ट्वाइस एच आई हाइड्रोजन आयोडाइड है, जितना हाइड्रोजन आयोडाइड आपका एच टू प्लस आई टू में कन्वर्ट होता है, उतने ही मात्रा में H2I2 आपके हाइड्रोजन आयोडाइड में कन्वर्ट हो जाते हैं। इस कंडीशन को कहते हैं साम्य स्थिरांक, जब दोनों अभिकारक की दर और उत्पाद की दर, दोनों की दर बराबर हो, अभिकारक से उत्पाद के बनने की दर और उत्पाद से अभिकारक के बनने की दर समान हो, उस परिस्थिति को कहते हैं साम्य स्थिरांक। तो नरस समीकरण में और साम्य स्थिरांक के बीच में क्या रिलेशन है? देखिए, डेनियल सेल में आपने पढ़ा था, डेनियल सेल, बोल्टी सेल, इसमें क्या अभिक्रिया हो रही थी? इसके अंदर जो अभिक्रिया हो रही थी आपकी, वो आपका जिंक था। कहाँ पर था जिंक? मैंने आपको बताया था, जिंक का मेटल जिंक के साल्ट सॉल्यूशन में, कॉपर का कॉपर के साल्ट सॉल्यूशन में, उसमें अभिक्रिया हो रही थी। तो जिंक आपका कहाँ था? एनऑक्स रेड कैट। एनोड पे क्या हो रहा था? ऑक्सीडेशन। कैथोड पे क्या हो रहा था? रिडक्शन। तो एनोड पर आपकी जिंक थी, कैथोड पर आपकी कॉपर था। तो यहाँ से जब आपका कॉपर जिंक का ऑक्सीडेशन हुआ Zn+2 में और कॉपर का ऑप्शन हुआ Cu+2 में, तो डेनियल सेल साम्यावस्था कब होगी? अब देखिए, दोनों में डेनियल सेल में अभिक्रिया होगी। डेनियल सेल के अभिक्रिया होने के लिए दोनों का EMF है, इनोट ऑफ सेल कैसा होना चाहिए? जीरो। यानी साम्य की स्थिति होगी तो इनोट ऑफ सेल कैसा होगा? आपका जीरो, क्योंकि जितना ए इसमें बदल रहा होगा उतना ही ये आपका बदल रहा होगा। तो यानी पोटेंशियल डिफरेंस दोनों के मध्य में विभवांतर जो होगा वो अंतर जीरो होगा। तो इस कंडीशन को बोलेंगे साम्य अवस्था। अब साम्य अवस्था में फॉर्मूला क्या होता था? ई सेल इजिकल टू ई नॉट ऑफ सेल माइनस 2.303 RT/2F। आर क्या है? गैस कॉन्स्टेंट। टी क्या है? टेम्परेचर। एफ क्या है? फेराडे कॉन्स्टेंट। लॉग जिंक आयन की कॉन्सेंट्रेशन अपॉन कॉपर आयन की कॉन्सेंट्रेशन। ये हमने नरस इक्वेशन में पहली वीडियो में पढ़ चुके हैं। साम्य स्थिरांक पर कंडीशन पर क्या हो जाएगा? ये किसके बराबर है आपका? केसी के बराबर है। Zn+2 की कॉन्सेंट्रेशन को, ये किसके बराबर है आपकी? केसी के बराबर है। तो हमने इसकी जगह पर इस फॉर्मूले में ए आर टी को सबको सॉल्व करके जो वैल्यू आती आपकी आती है टू, क्योंकि ए भी आर भी कॉन्स्टेंट टी भी कॉन्स्टेंट, 0.059 वोल्ट इसकी वैल्यू आती है। टू फेराडे की, फेराडे को भी कॉन्टेस्ट कर लेते हैं इसमें। टू आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इससे हमने इसको डिवाइड करा। लॉग केसी की वैल्यू हमने, ये इसकी जगह पर हमने केसी वैल्यू रख लिया, ये आपका इक्वेशन बन गई। अब केसी क्या होगा ई नॉट ऑफ सेल के लिए? जब ई नॉट ऑफ सेल, मैंने आपको बताया था, जब किसी सेल के लिए आपका ई नॉट ऑफ सेल 1.1 वोल्ट है, तो उसमें जो विद्युत विभवांतर है, पोटेंशियल डिफरेंस है, वो वैल्यू जीरो करेगा। यानी मैं आपको, मैंने बताए थे NCERT में तीन डायग्राम हैं, जब आपके ई नॉट ऑफ सेल की वैल्यू, ई नॉट ऑफ सेल कि 1.1 वैल्यू है, तो उसमें कोई भी उसमें करंट फ्लो नहीं हो रही होती, यानी कोई भी चार्ज फ्लो नहीं हो रहा होता, तब इसकी वैल्यू आपकी 1.1 वोल्ट होती है। तो इस कंडीशन में क्या था? इनोट ऑफ सेल जीरो है, विभवांतर जीरो है, तो कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा होगा, कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा होगा, तो इनोट ऑफ सेल की कितनी वैल्यू? 1.1 वोल्ट। तो हमने केसी की जगह पर इसकी 1.1 वैल्यू रख ली और इसको लॉग केसी के वैल्यू हमने यहाँ से निकाली, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करा, तो लॉग केसी इक्वल टू हो गया 1.1 वोल्ट टू
इंटू टू अपॉन 0.59 वोल्ट, इसकी वैल्यू सॉल्व करके आई। तो इसको हमने करा केस इक्वल टू क्या हो गया आपका 2.3 × 10⁻³⁷ ये आपकी केसी की वैल्यू यहाँ से निकल जाती है। इसको चेंज कर लेते हैं तो इस तरीके से आप साम्य स्थिरांक के साथ में रिलेशन बता सकते हो। इसके आने की संभावना बहुत होती है, एग्जाम में पूछ लेता है साम्य स्थिरांक का साथ नर्स समीकरण का संबंध स्थापित करिए, क्या होता है दोनों के बीच में संबंध। तो आप ये संबंध आप ये वाला लिख सकते हैं, इन दोनों के बीच का जो संबंध है। अब इसके बाद आता है एक और आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, वैद्युत रासायनिक सेल अभिक्रिया की गिब्स ऊर्जा, यानी किसी इस पे इस फॉर्मूले पर बेस्ड आपके क्वेश्चन भी आते हैं, एक एक नंबर के क्वेश्चन आएंगे, बहुत सिंपल होते हैं। सीधे फॉर्मूले की वैल्यू रखनी है, सीधे सीधे आंसर निकलते हैं, या कोई एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन हो सकता है, एक नंबर का क्वेश्चन यहाँ से बनने की पॉसिबिलिटी होती है। वैद्युत रासायनिक सेल अभिक्रिया की गिब्स ऊर्जा क्या होती है? तो देखिए पहले हम बात करते हैं गिब्स ऊर्जा या वैद्युत रासायनिक में क्या होता है। एक सेकंड में किया गया विद्युतीय कार्य प्रभावित कुल आवेश एवं विद्युत विभव के गुणनफल के बराबर होता है, यानी किसी भी विद्युत रासायनिक सेल में एक सेकंड में जो कार्य किया जाता है वो कार्य उसमें प्रभावित आवेश और विद्युत विभव के गुणनफल के बराबर होता है। अब गैल्वनी सेल में, गैल्वनी सेल देखो तब आपके अब आपको उस कार्य के बराबर होगा, यानी इस कंडीशन में अभी आपके जब इक्विलिब्रियम होगा साम्य स्थिरांक होगा तो उसमें कोई करंट फ्लो नहीं हो रही होगी, यानी उसमें विद्युत विभव और आवेश इसकी वैल्यू नेगेटिव लेने के लिए आपके सेल को विपरीत दिशा में यानी उत्क्रमणीय दिशा में कार्य करना होगा। तो गैल्वनी सेल में क्या होता है, गैल्वनी सेल के द्वारा किया गया उत्क्रमणीय कार्य गिब्स ऊर्जा की कमी के बराबर होता है, यानी गैल्वनी सेल जो जितना उत्क्रमणीय कार्य करता है उसकी मात्रा उसकी गिब्स ऊर्जा के बराबर होती है, ये इसका फॉर्मूला होता है, है ना। और जो डेल्टा जी की वैल्यू है, डेल्टा जी की वैल्यू है वो एन पर निर्भर करती है, यानी एन पर निर्भर करने का मतलब है कि उसमें से कितने इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, जितने इलेक्ट्रॉन निकलेंगे ज़्यादा उतनी ही एन की वैल्यू ज़्यादा आएगी, जितने कम निकलेंगे उतनी ही एन की वैल्यू कम आएगी। अगर हम एक टाइपिकल रिएक्शन लेते हैं तो आपका देखिए डेनियल सेल में जिंक कॉपर Zn+2 और कॉपर में, तो यहाँ से आपको कॉपर भी 2 आयंस दे रहा है, जिंक भी आपको 2 आयंस दे रहा है, तो यहाँ पर जो आपकी एन की वैल्यू है वो आपकी एन की वैल्यू 2 हो जाएगी। इसी के हमने ट्वाइस मोल ले लिए, तो ट्वाइस Zn+2 Cu +2, तो यहाँ पर भी आपका क्या आ जाएगा, ट्वाइस Zn+2 आ जाएगा आपका, तो 2 × 2 = 4, तो यहाँ पर जो आपकी एन की वैल्यू है वो आपकी 4 आ जाएगी। और इस तरीके से आप डेल्टा जी की वैल्यू किस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। अगर किसी सब्सटेंस की किसी रिएक्शन में इकाई सांद्रता हो, सभी रिएक्टेंट प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन है वो यूनिट हो, तो उसको बोलते हैं उसके बराबर हो जाएगा E cell = E0 of cell। तो आपका डेल्टा जी इक्वल टू किस हो जाएगा, एन क्या है, 1 f E0 of cell, यानी ये आपके दोनों के साथ रिलेशन आ गया, इस पर बेस्ड आपके क्वेश्चन आएंगे।